नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जर्मनी में रिफ्यूजी कैंप में फंसी भारतीयों को मिली सुषमा की मदद। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जर्मनी के शरणार्थी शिविर में व्यथित अवस्था में रह रही एक भारतीय महिला को मदद का भरोसा दिया। वह महिला भारत आना चाहती है। ट्विटर पर गुरप्रीत ने एक लघु वीडियो डाला है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसे और उसके 7 साल की बेटी को उसके पति के परिवार ने एक शरणार्थी शिविर में रखवा दिया था। स्वराज ने ट्वीट किया, गुरप्रीत मुझे जर्मनी में अपने राजदूतावास से रिपोर्ट मिल गई है। एक और ट्वीट में सुषमा ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि फ्रैंकफर्ट में भारतीय महावाणिज्य दूतावास इस मामले को देखेगा और इस बारे में महिला के पिता से भी बात की जा चुकी है। गुरप्रीत फरीदाबाद की रहने वाली है, वहां और उनकी बेटी जल्द से जल्द भारत लौटना चाहती है। राजन ने 2 बार पुनः जारी करवाया था फर्जी पासपोर्ट। सीबीआई ने गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र में कहा कि उन्होंने 1998 में बैंगलोर पासपोर्ट दफ्तर से मोहन कुमार राम से जारी एक फर्जी यात्रा दस्तावेज के आधार पर 2 बार विदेशों में भारतीय मिशनों से पासपोर्ट जारी कराया था। छोटा राजन के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट का मामला दर्ज कराने वाली एजेंसी ने राजन और बैंगलोर पासपोर्ट कार्यालय के 3 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ पटियाला हाउस अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि राजेंद्र सदाशिव निकलजे उर्फ छोटा राजन और 3 पासपोर्ट अधिकारियों जय श्री राहते, दीपक नटवरलाल शाह और ललित लायमंस को आरोप पत्र में आरोपी बनाया गया है। ये 3 अधिकारी बैंगलोर पासपोर्ट कार्यालय में तैनात थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मोदी ने कहा दलित आरक्षण समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं। दलितों के अधिकारों के संरक्षण का संकल्प लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने का कोई सवाल नहीं और उन्होंने इस संबंध में विपक्ष पर झूठ प्रचारित करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरह से अपनी पार्टी का प्रचार अभियान शुरू करते हुए मोदी ने एक रैली में कहा कि दलित विचारक बीआर अंबेडकर की उपलब्धियों को रेखांकित करने के राजग सरकार के प्रयासों के बाद विपक्ष घबराया हुआ है। मोदी ने कहा कि दलितों की प्रगति होनी चाहिए, जब तक डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है दलितों के लिए आरक्षण रहेगा।